नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रियलमी कंपनी रियलमी 6 सीरीज को लेकर आ रही है। दोस्तों, रियलमी कंपनी रियलमी 6 सीरीज को इंडियन मार्केट में 5 मार्च को लॉन्च कर देगी, जिसके अंदर आपको बड़े और अच्छे फीचर्स मिलेंगे। और दोस्तों, रियलमी 6 सीरीज के अंदर आपको रियलमी 6, 6 आई और 6 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, रियलमी कंपनी ने रियलमी 6 और 6 प्रो स्मार्टफोन को लेकर लगभग सभी स्पेसिफिकेशन को कन्फर्म भी कर दिया है और कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन का टीजर भी जारी कर दिया है। और दोस्तों, रियलमी 6 सीरीज का फ्लिपकार्ट के ऊपर एक पेज भी बनाया गया है। तो दोस्तों, रियलमी 6 प्रो एक बढ़िया अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन होगा, जबकि दोस्तों रियलमी 6 बढ़िया अच्छा बजट स्मार्टफोन होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन के किस किस फीचर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा और इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत के अंदर कितना डिफरेंस होगा। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा बजट स्मार्टफोन या मिड रेंज स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन की, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल तो बिल्कुल एक जैसा होगा। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको रियलमी 5 सीरीज की तरह ही क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट पैनल अलग अलग होगा, क्योंकि दोस्तों रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल कटआउट वाली पंच होल नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि दोस्तों रियलमी 6 मोबाइल के अंदर आपको सिंगल पंच होल नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों अगर बात की जाए रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.4 इंच की फुल एच डी सुपर एमोलेड ड्यूल कटआउट वाली पंच होल नोच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा, जो कि 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। वहीं अगर दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर भी आपको कंपनी 6.4 इंच की फुल एच डी पंच होल नोच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले का साइज तो सेम होगा, लेकिन दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन अंदर आपको सिंगल कटआउट वाली नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट देगी और ये मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 616 का जीपी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रियलमी 6 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हेलियो G90 का चिपसेट देगी और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको माली G72 का जीपीयू देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट और बढ़िया चिपसेट देखने को मिलेगा, जबकि दोस्तों रियलमी 6 मोबाइल के अंदर आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 4 GB और 6 GB की रैम दे सकती है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको दो दो वेरियंट देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लोट साइज देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 64 MP, 12 MP, 8 MP और 5 MP का रियर कैमरा, 20 MP और 2 MP का ड्यूल फ्रंट सेल्फी कैमरा दे सकती है, जबकि दोस्तों बात की जाए रियलमी 6 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी 64 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दे सकती है। तो दोस्तों रियर कैमरा के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे, लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा के अंदर आपको साइज चेंजेस देखने को मिल जाएगा और दोस्तों रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी और अच्छी 30 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बैटरी के मामले में इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो दोस्तों वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको डिस्प्ले भी सेम देखने को मिलेगी, बैटरी भी सेम देखने को मिलेगी और इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा सेटअप भी लगभग एक जैसा ही देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की, तो दोस्तों रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन को कंपनी लगभग 17 या 18 हजार रुपए तक की कीमत में लॉन्च कर सकती है, जबकि दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन को कंपनी 15 हजार रुपए से कम कीमत में लॉन्च करेगी। तो दोस्तों आपके अनुसार इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत कितनी होनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।